टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के डायमंड हॉल में आज एक कार्यक्रम सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट के तरफ से किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान राशन कार्ड, सुकन्या योजना के तहत पासबुक दिया गया है। कार्यक्रम मर्जिया पठान के तरफ से किया गया था, जिसमें तमाम एजुकेशन के ताल्लुक से जो सरकारी स्कीमें हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में खुद गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवहाट भी शामिल हुए थे। इसके अलावा रूता अवहाट, सानू पठान, अश्विन राउत, फरजाना शेख, अन्य तमाम एनसीपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मंत्री जितेंद्र अवहाट ने इस कार्यक्रम के बारे में क्या जानकारी दी और साथ ही मर्जिया पठान ने भी क्या कुछ बताया है। कल शरद पवार जी का जन्मदिन है और शानू पठान और ख़ास करके उसकी बेटी मर्जिया और सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से कई लड़कियों के लिए कुछ योजनाओं का जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लाई है और जो खुद शानू पठान खुद के खर्चे से कर रहा है, लड़कियों को पढ़ाने का, लड़कियों को मदद करने का काम वो कर रहा है। और मुझे लगता है कि पवार साहब की जो सोच है ख़ास करके महिलाओं के बारे में कि महिला पढ़नी चाहिए, महिला सक्षम होनी चाहिए तो समाज सक्षम होगा, इन भावनाओं का आदर, इन भावनाओं के ऊपर कदम चलते हुए शानू अपना काम और मर्जी अपना काम कर रहे हैं। क्या तकसीम किया गया यहाँ पे, कुछ बांटा गया राशन कार्ड और चेक, राशन कार्ड, चेक, नया योजना, बहुत सारा बांटा गया और मुझे लगता है इसका फ़ायदा समाज को होगा। यहाँ पर हम लोगों ने जो लगातार कैंप लिए थे, 2 महीने पहले हम लोगों ने राशन कार्ड का कैंप लिया था और 1 महीना पहले हम लोगों ने आधार कार्ड का कैंप लिया था, उसके साथ सुकन्या समृद्धि का कैंप लिया था जो 10 दिन तक चला था। तो उसका फॉलो अप लेके 2 महीने के अंदर हम लोगों ने मतलब जो है 38 राशन कार्ड बनाए और उसको डिस्ट्रीब्यूशन था, बिकॉज एवरीवेयर हर बार ये होता है कि बस राशन कार्ड बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, आंकड़े नहीं है, बस एक पब्लिसिटी स्टंट होता है, ऐसा वैसे जो सारी बातें होती है। तो मेरा गोल हमेशा यही रहेगा और रहा है कि जो हम लोग कैंप रख रहे हैं उसका हम लोग जो ये है रिजल्ट है वो हम लोग लोगों को दे सके, बिकॉज एज अ सोशल वर्कर और पॉलिटिशियन और एनीथिंग आपको एटलीस्ट 50% तो लोगों का काम करना ही चाहिए और उनको रिजल्ट 50% आना ही चाहिए। तो वी ट्राइड आर बेस्ट द होल टीम। तो उनके 38 राशन कार्ड बन गए एंड देन सुकन्या समृद्धि जो था जिसका हम लोगों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 500 लोगों का, लड़कियों का हमने किया था, उसकी पासबुक्स भी आ चुकी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड अलॉन्ग दैट वी हैव फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जो हर साल सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट करती है, तो वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी था साथ ही में। तो सारी चीज़ों का हम लोग जो आधार कार्ड थे वो आधार कार्ड बाय पोस्ट लोगों के घर पर पहुँच चुके हैं, बिकॉज वी कांट कीप समवन्स लीगल आइडेंटिटी टू आर सेल्फ। तो इसी वजह से हम लोगों ने वो जो चीज़ें हैं वो उनके घर पर डायरेक्टली पोस्ट से पहुँच चुकी हैं।